चिली सॉस से इसको मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जो फ्लेवर है वो सोयाबीन के अंदर मिक्स हो जाए। अभी देखिए जो सोयाबीन और वेजिटेबल है इसको अच्छे से हाई फ्लेम में अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक, ताकि जो सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो जाए और वेजिटेबल का भी जो। हेलो दोस्तों, आज एक सिंपल रेसिपी लेके आया हूँ बट बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसको प्रॉपर बनाया तो एकदम बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही खाने में एकदम मज़ेदार है, क्योंकि इसका जो बनाने का ट्रिक है, बनाने का स्टाइल है, बहुत ही अलग है। तो आज जो रेसिपी है सोयाबीन राइस है, मतलब सोयाबीन वेजिटेबल राइस, मतलब ये जो राइस है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही थोड़ा हटके मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेके उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऑयल ऐड करके जो ऑयल है उसको हल्का सा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में गर्म कर लेंगे, ताकि जो कांदा लहसुन है उसको अच्छे से फ्राई हो सके, सॉरी जो अदरक लहसुन है उसको अच्छे से फ्राई हो सके। तो हल्का फ्लेम में थोड़ा सा तेल गरम करके इसके अंदर मैं कूटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्ची ऐड करूँगा। तो देखिए इसके अंदर मैं अदरक लहसुन और मिर्ची इसको कूट के लिया हूँ, मतलब सील पट्टे पे, या जो आप कूटनी होता है उस पर भी कूट सकते, तो मैं इसको सील पट्टे पे कूट लिया है। अभी इसको हल्का थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने के लिए भी अच्छा फ्लेवर है और टेस्ट भी अच्छा लगे जो रेसिपी पे। अच्छे से फ्राई होने के बाद देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है। अभी इस टाइम वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल जो है ये देखिए, ये वेजिटेबल में विनेगर और नमक के अंदर इसको भिगा के रखा था 1 घंटा अच्छे से चॉपिंग करके। तो वेजिटेबल के अंदर क्या क्या दिया है, थोड़ा सा बीटरूट है, थोड़ा सा कांदा है, थोड़ा सा कैप्सिकम है और थोड़ा सा गाजर है। इसको अच्छे से चॉपिंग करके इसको 1 घंटे तक नमक और विनेगर के पानी में इसको भिगा के रखा था। तो उसमें क्या होता है कि एक अच्छा फ्लेवर आता है, खाने के लिए भी एक अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी जो ये वेजिटेबल है इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अभी जो फ्लेम है इसको मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा सोयाबीन ऐड करेंगे। सोयाबीन जो है मैं भिगा के रखा था, उसको गर्म पानी में नहीं भिगाया, उसको ठंडे पानी में अच्छे से भिगा के फिर उसको थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस से इसको मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जो फ्लेवर है वो सोयाबीन के अंदर मिक्स हो जाए। अभी देखिए जो सोयाबीन और वेजिटेबल है इसको अच्छे से हाई फ्लेम में अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक, ताकि जो सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो जाए और वेजिटेबल का भी जो फ्लेवर है वो सोयाबीन के अंदर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई करने के बाद देखिए अच्छे से जो फ्राई हो चुका है, सोयाबीन भी ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल जो मैं रेगुलर बेसिस में जो चावल खाते हैं वही चावल लिया है। आप घर में बिरयानी राइस या आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो राइस खाते हैं वो भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल में रेगुलर बेसिस पे जो राइस खाते हैं वही राइस लिया है। अभी जो राइस देखे इसको अच्छे से थोड़ा सा हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक मैं थोड़ा सा ही दे रहा हूँ, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर भी नमक को देके मैरिनेट करके रखा था, इसके लिए भी स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही नमक दिया हूँ। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ टेस्ट के लिए, और थोड़ा स्पाइसेस के लिए चिली सॉस, ताकि खाने के लिए भी अच्छा लगे और थोड़ा सा तीखा भी लगे। इसके लिए इसमें थोड़ा सा चिली सॉस दे रहा हूँ। चिली सॉस देने के बाद इसके अंदर 10 से 12 काली मिर्च पीस के डालेंगे। काली मिर्च जो है नॉर्मल जो अक्खा काली मिर्च रहता है उसको ही पीस के दिया है। अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर रहेगा तो आप वो भी दे सकते हैं, या आप काली मिर्च कूट के भी दे सकते हैं। तो अभी जो राइस है इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाई फ्लेम में। अच्छे से मिक्स करने के बाद, मतलब अच्छे से फ्राई करने के बाद जो राइस है सोयाबीन वेजिटेबल राइस है प्रॉपर रेडी हो गया। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है और कितना अच्छा दिख भी रहा है। तो ये जो रेसिपी है प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो अभी इसको सर्व करते हैं। दोस्तों आज का रेसिपी कैसा था ज़रूर बताना, क्योंकि आज थोड़ा अलग स्टाइल में मैं आपको राइस बना के दिखाया, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जो बनाया मैं टेस्ट करके दिखा दो, फिर आपको बता दो कैसा टेस्ट हुआ है। दोस्तों
दोस्तों इसमें जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही जो एकदम जो विनीगर के पानी में जो वेजिटेबल रखा था उसका भी एकदम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और अदरक लहसुन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा खट्टा से तो खाने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है। तो आप भी ट्राई कीजिए ऐसा रेसिपी बनाने के लिए, ऐसा रेसिपी टेस्ट करने के लिए। और अगर आपको रेगुलर कुछ ना कुछ कुकिंग, कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ ना कुछ न्यू आर्ट के कुकिंग देखना पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कोई नया रेसिपी के साथ या कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।